हेलो एवरीवन, आई एम पिनल गडासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन ईवीएस, पेज नंबर 115, चैप्टर 17, गॉड्स प्रेशियस गिफ्ट टू अस वाटर। हमें भगवान ने बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है और वो क्या है? वाटर, यानी कि पानी। अज्यूम कीजिए आपको एक दिन, पूरा एक दिन पानी पीने को मिले ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, बीमार भी हो सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है ना? तो पानी के बिना हम, जैसे सांस लेने के बिना वगैरह हम जी नहीं सकते, वैसे ही बिना पानी के भी हम नहीं जी सकते। आप सुबह से जब से उठते हो और जब सोते हो, उस दौरान दिन की शुरुआत और रात को सोने से पहले जो भी कुछ काम करते हैं, वहाँ पे आपको पानी बहुत ज़रूरी है। उठते ही आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, है ना? तो सभी के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आज हम पानी के बारे में कुछ सीखेंगे। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पानी जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही अमूल्य हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सभी जानवर को, हमें भी और पौधों को भी पानी ज़रूरी है, जीने के लिए भी, सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए भी, और ग्रोथ के लिए भी यानी कि बढ़ने के लिए भी। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, उनके सोर्सेस कौन कौन से हैं? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बारिश जो है वो पानी का मेन सोर्स है। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था वाटर साइकिल, आपको याद है कैसे पानी जमीन से ऊपर जाता है और फिर बारिश होती है? याद है आपको? जो समुद्र का पानी है, जो नदी का पानी है, वो सूर्य की गर्मी की वजह से गर्म होता है और उसकी जो वेपर होती है, बाफ जो होती है, वो आकाश में जाती है, आकाश में बादल बनते हैं। जब बादल घने हो जाते हैं तो पानी फिर से पृथ्वी पर आता है, उसे कहते हैं वाटर साइकिल। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, और इस तरह से बारिश होती है। तो यहाँ पे भी आप, इस पिक्चर में भी आपको वाटर साइकिल दिखाई दे रहा है ना? सूर्य की किरणें पानी में पड़ती है, पानी गर्म होता है, उसकी बाफ होती है, उसके वेपर बनते हैं और वो बादल में जाते हैं, बादल घने बनते हैं और बारिश आती है। इसी तरह समुद्र का पानी फिर से हमें बारिश के तौर पे मिलता है। समुद्र का पानी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पीने लायक नहीं होता है ना? रिवर्स, लेक्स, वेल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, डैम्स आर द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। रिवर्स, लेक्स, वेल, टैंक, पॉन्ड्स एंड डैम, ये भी पानी के अन्य सोर्सेस है, अदर सोर्सेस है। Why do we need water? हमें पानी क्यों चाहिए? Water is required at every moment. हमें हर एक moment में पानी की ज़रूरत है। We need water for the following purposes. तो हमें पानी क्यों चाहिए? Drinking, पीने के लिए, cooking, खाना पकाने के लिए, cleaning, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, पौधों के लिए वाटरिंग द प्लांट्स, और खेत में क्रॉप्स को भी पानी चाहिए। डू यू नो
हाउ वाटर बिकम्स इम्प्योर, आपको पता है पानी कैसे गंदा होता है? व्हेन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डंप्ड इन वाटर, इट मेक्स वाटर इम्प्योर। जब फैक्ट्री का गंदा मलबा जो होता है वो पानी में नदियों में बहाया जाता है तो उसकी वजह से पानी प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है। इट मेक्स वाटर इम्प्योर और इसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो जाता है। टेकिंग बाथ इन लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो मेक्स द वाटर इम्प्योर, पानी में नहाओ, गाय भैंसे को नहलाओ, कपड़े धो, तो उसकी वजह से जो नदी का पानी है वो गंदा होता है। आजकल तो हम क्या करते हैं आपको पता है, घर में पूजा हो तो उसका जो फूल और जो पूजा पा हो वो हम कहाँ डाल के आ जाते हैं, नदी में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो फूल और जो पूजा पा हो वो पानी को प्रदूषित करता है, तो फिर पूजा पा हम कहाँ डालें? तो हम उसका खाद बना सकते हैं, है ना। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है कि आपको क्या करना है, पानी में जो हम पूजा करते हैं, पूजा पा जो है वो हमें पानी में नदियों में नहीं बहाना है और उसको क्या करना है, उसका खाद बनाना है। भगवान नाराज़ नहीं होंगे, ये करने से भगवान नाराज़ नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हम पानी को गंदा नहीं कर रहे हैं, भगवान जी खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्योर वाटर। वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, पानी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है। एट द सेम टाइम इफ़ वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर इट इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, इट मे मेक अस सिक, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी मेड प्योर बाय बॉइलिंग इट, अगर पानी को हम बॉइल करके पीते हैं तो वो पीने लायक बन जाता है। हमें हमेशा पानी बॉइल करके पीना चाहिए, या तो फिर आजकल सब क्या करते हैं, वाटर प्योरीफायर लगवाते हैं और पानी को प्योर करके पीते हैं। बॉइलिंग द वाटर किल्स ऑल द जर्म्स, ज़रूरी नहीं है कि वाटर प्योरीफायर हमें लगाना ही चाहिए। अगर आपके पास वाटर प्योरीफायर नहीं है तो आप पानी को उबाल के अच्छे से ठंडा पड़ जाए फिर उसे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स ऑल्सो प्योरीफाई वाटर एंड किल जर्म्स प्रेजेंट इन इट एंड हैंस प्रिवेंट डिसीज। फिल्टर्स जो है वो भी पानी को शुद्ध करते हैं, उनके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो उन्हें भी मार देते हैं और उसे पीने लायक बनाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। वी शुड ऑलवेज कवर ड्रिंक वाटर एंड इट शुड बी केप्ट इन अ क्लीन प्लेस, हमें पानी जिसमें भी हम पानी पीने का पानी भर के रखते हैं उसे कवर करके रखना चाहिए और उसे क्लीन प्लेस स्वच्छ जगह पे उसे रखना चाहिए। डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर वाटर सो दैट द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस थ्रू आउट द ईयर, हम डैम इसलिए बनाते हैं ताकि जो नदियों का जो पानी है वो बह ना जाए, बह के वो कहाँ जाता है, समुद्र में, और समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते, तो वो समुद्र का पानी नहीं पी सकते, इसलिए नदियों का पानी हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, जगह जगह पर नदियों में हम डैम बनाकर पानी स्टोर करके रखें और वो हम पूरे साल उसको यूज़ कर सके, इसलिए हम डैम्स बनाते हैं। तो ये चैप्टर आपको घर पे रीड करना है, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।